दुर्ग के गया नगर में शनिवार की रात तीन युवकों ने मिलकर एक युवक की तलवार व डंडे से मारकर हत्या कर डाली। वही मामले में दुर्ग कोतवाली थाना पुलिस ने एक नाबालिग सहित तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गया नगर में देर रात विजय चंद्राकर नामक एक युवक की तलवार और डंडे से मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए दो आरोपियों सहित एक अपचारी बालक को पकड़ा है, जिन्होंने मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों में सागर गुप्ता और शंकर साहू सहित एक अपचारी बालक शामिल है। ये पूरा मामला आपसी विवाद और पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ है। यही वजह रही कि स्कूटी से अपने घर जा रहे विजय शंकर नामक युवक को गया नगर स्कूल के पास आरोपियों ने रुकवाया और फिर उस पर तलवार और डंडे से प्राणघातक हमला कर फरार हो गए। पुलिस को इसकी सूचना मिलने पर तत्काल दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्ग SP अभिषेक पल्लव के निर्देशन में घटना के तुरंत बाद चारों ओर नाकेबंदी की गई, जिसके बाद घटना के 4 घंटे के अंदर ही आरोपी क्षेत्र से पकड़े गए। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। प्राथमिकी जांच में आपसी विवाद और पैसों के लेन देन की बात सामने आई है। इस संबंध में न्यूज टीम को CSP दुर्ग शिल्पा साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दिनांक 8 अक्टूबर को जो है रात के 11:30 बजे है मृतक जो विजय चंद्राकर हैं उनके वो गया नगर एरिया में परमेश्वरी स्कूल के पास जो है अपने गाड़ी में जा रहे थे, जिस पर पुरानी रंजिश को लेते हुए पैसे के लेन देन के नाम पर तीन आरोपियों जिसमें एक अपचारी बालक है और दो आरोपी हैं सागर गुप्ता और शंकर साहू, इनके द्वारा जो है मृतक विजय चंद्राकर पर प्राणघातक हमला किया है। तलवार से और डंडे से जो है उनके ऊपर अटैक किया गया था, जिसमें घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई है और आरोपियों के विरुद्ध जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है 302 का। न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।